जूम ऐप पर आईडी कैसे बनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जूम ऐप पर अपनी आईडी या अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जूम ऐप को ओपन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप का, तो साइन अप वाले ऑप्शन पर आपको टच कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि DOB डाल देनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको इस पर टच करना है और यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेट वाले ऑप्शन पर टच कर देना है। उसके बाद ये कनेक्टिंग होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी आईडी डाल दी है। उसके बाद फर्स्ट नेम टाइप कर देते हैं, उसके बाद नीचे लास्ट नेम, और यहाँ पर आपको साइन अप वाले ऑप्शन पर टच कर देना है ये डिटेल फिल करने के बाद। और उसके बाद यहाँ पर आपकी मेल पर मैसेज आएगा, तो यहाँ पर हम मेल ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह का एक मैसेज आएगा जूम से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर टच करते हैं और इसे ओपन कर लेते हैं। उसके बाद एक्टिवेट अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर टच कर देना है। टच करने के बाद यहाँ पर, तो उसके बाद यहाँ पर ये लिंक इस पेज पर आ जाएगा और यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम खुद फिल हो जाएगा, लास्ट नेम भी यहाँ पर खुद फिल हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है अपनी जूम आईडी का, तो यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको दोबारा से कंफर्म पासवर्ड कर लेना है, यानी कि अपना पासवर्ड दोबारा डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पर टिक कर दीजिए। और यहाँ पर ये आप यस और नो कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर टच कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप इसे कट कर सकते हैं और आ सकते हैं अपनी जूम ऐप पर। उसके बाद बैक करिए, कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पर साइन इन वाला ऑप्शन है, साइन इन पर टच कर दीजिए। और यहाँ पर जो भी आपने ईमेल आईडी डाली थी आईडी बनाते वक्त, वो ईमेल आईडी डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड में पासवर्ड डाल देना है, जो भी आपने अभी अपना पासवर्ड क्रिएट करा था। उसके बाद यहाँ पर साइन इन पर टच कर दीजिए। उसके बाद एक कनेक्टिंग होने लगेगा और यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो आपको वेट करना है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जूम ऐप की आईडी बन चुकी है और यहाँ पर आपकी जूम ऐप ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी आईडी बना सकते हैं और इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें।